भ्रष्ट अधिकारियों पर एंटी करप्शन ब्यूरो का एक्शन लगातार जारी। यमुनानगर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 8,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ खेड़ी लखा सिंह चौकी इंचार्ज को गिरफ्तार किया। कार के लेन देन के मामले में शिकायतकर्ता के खिलाफ चौकी में शिकायत दी गई, जिसको निपटाने की एवज में ये पैसे मांगे गए। चौकी इंचार्ज ने शिकायतकर्ता से 10,000 की मांग की थी, जिसमें से शिकायतकर्ता 2,000 पहले ही दे चुका था। अब इसमें एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 8,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और ACB की टीम आगे की कार्रवाई कर रही है। सेवा सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली खाकी एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोप में दागदार हुई है। एंटी करप्शन ब्यूरो टीम की यमुनानगर में बड़ी कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ता जोगिंदर सिंह ने टोल फ्री नंबर है हमारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का, उस पर फ़ोन करके कंप्लेंट दी थी कि ASI कंवल सिंह है, चौकी इंचार्ज खेड़ी लखा सिंह, जो इसने कुछ दिन पहले 2021 में इसने गाड़ी बेची थी स्विफ्ट डिज़ायर, जोगिंदर ने खरीदी थी इसने नरेश कुमार से, और उस नरेश कुमार ने इसके अगेंस्ट चौकी खेड़ी लखा सिंह में कंप्लेंट दी है कि इसने इसकी बकाया पेमेंट नहीं दी, और उस संबंध में इसने चौकी इंचार्ज ने कंवल सिंह है जो ASI, इन्होंने इसे 10,000 रुपये की डिमांड की थी कि भाई आपका मामला ये रफा दफा करवा देंगे, ऐसे ही आप मुझे 10,000 रुपये दे देना, और इन्होंने दबाव बनाकर इस पर जोगिंदर पर 2,000 रुपये से मौका पर ही रिश्वत के ले लिए, और बाकी के लिए इसने 2 दिन का टाइम इसको दिया था, जो आज उच्च अधिकारियों गण के आदेशों पर निरीक्षक अमित कुमार जी के अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई, रेडिंग टीम, और ड्यूटी में स्वतंत्र गवाह और राजपत्रित अधिकारी इनको साथ लेके, 6 गवाह को साथ लेकर के, मुदई को साथ लेके, और चौकी खेड़ी लखा सिंह में जाकर कंवल सिंह मुदई ने उसको पैसे दिए, उसने उसे मांगने पर ASI कंवल सिंह के मांगने पर मुदई ने उसको पैसे दे दिए रिश्वत के, और उसको फिर हमने मौका पर ही रेड हैंडेड पकड़ लिया।